अलैक्म यार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल, मैं ना बच्चे जो है निकल के घोंसलों से ना नीचे आ जाते हैं, और मैंने ना वहाँ पे रुई रखी थी बहुत सारी रखी थी, और सारी की सारी उठा उठा के चिड़िया ले गई अपने घोंसलों के अंदर। तो आज इनके लिए मैं एक बॉक्स लेके आया हूँ, ये वाला। मैं सोच रहा हूँ कि नीचे बॉक्स रख दूँ ताकि जो बच्चे ऊपर से पहले पहले दिन निकले वो कम से कम इसके पीछे छुप सकें। तो आज मैं वही इसे अंदर लेके जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनमें फ्रेश बेबीज बहुत सारे हैं, वो वहीं पे छुपे बैठे हैं आई थिंक, क्योंकि सर्दी है तो वो उसी के पीछे हैं। तो हम जाते हैं तो वहाँ पे बॉक्स रख के आते हैं, उनके पीछे छुप वुप जाएँ, सर्दी से अपने बचत कर लें। अंदर आ गए हैं, ठीक है। इन्होंने शोर मचा दिया है कि इनके घर पे कोई आ गया, हम जल्दी जल्दी से रख दें। इन्होंने देख सकते हैं आप रुई से अपने घर ढक लिए हैं, और अब ये मुझे पता नहीं है इनके लिए नुकसान देना हो। देख लो सर्दी बहुत ज़्यादा है, बेबी जो हैं वहाँ पर छुप जाते हैं। मुझे लगा था शायद बेबी कोई डेड हुआ पड़ा, तो इसके पीछे देखते हैं बेबी। अब देख सकते हैं ये अभी उड़ भी नहीं पा रहा सही से, और वहाँ पे चला गया ये। माशाल्लाह 4-5-6 हैं। पकड़ के इसके अंदर डाल देते हैं, चलो चलो बेबीज आप लोग यहाँ पे आ जाओ, अंदर आ जाओ। इसके तो इस तरह से हम बना देते हैं इनके छुपने के लिए जगह, ताकि ये ना सर्दी में कम से कम बच सकें। और आप देखते हैं बेबीज वहाँ पे चले गए, अभी हम इस साइड से जाके ना इनको इधर कर देते हैं। ये बेबी मैंने पकड़ लिया, एक बेबी को यहाँ पे रखते हैं। अब बेबी छुप जाओ यहाँ पे, बेबी अंदर चला जाएगा, छुप जाएगा सर्दी में। देवी ने छुपा के मार दिया भाई, कोई इसमें देवी अंदर ही कैद हो गया। ये देखें ये दोनों बेबीज हैं, ये बिल्कुल छोटा सा बेबी है, ये छुप जाए वहाँ पे जाके, ये छुप जाएंगे वहाँ पे अभी हम